हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं ATI Pro की तरफ से एक न्यू लॉन्च स्पीकर जो है PD1852 या फिर PD1852। इस मॉडल का स्पीकर आपको दूसरे ब्रांड में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ATI Pro का जो ये मॉडल है हमें किस तरह का देखने को मिलता है। जिन लोगों को 1852 के बारे में पता नहीं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, ये एक 1800 वाट का स्पीकर है जो 18 इंच के बास्केट में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू और इसका हम एक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं PD1852। सो ये है दोस्तों ATI Pro PD1852। ये ATI Pro की तरफ से एक न्यू लॉन्च स्पीकर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग कर लेते हैं। ये एक 18 इंच का स्पीकर है और ये 1800 वाट में है। सो यहां पे हमें दो पैकिंग देखने को मिलती है और ये स्पीकर काफी भारी है, तो इसको उठाने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। सो ये है PD1852। ये स्पीकर 4-पीस मैग्नेट में है, यहां पे आप देख सकते हैं, और इस स्पीकर की जो कोन है थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी देखने को मिलता है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और इसका जो चेसी है ये काफ़ी मजबूत है। और ये स्पीकर अगर आप कैबिनेट में डालते हैं तो कैबिनेट की वेट जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। सो चलिए इसका हम एक क्लोज लुक देख लेते हैं। सो क्लोज लुक में आप यहाँ पे देख सकते होंगे इसका विड्थ जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। सो इसका जो डस्ट कैप है ये काफ़ी बड़ा है, ये 5-inch वॉइस कॉल में आता है और ये जो वॉइस कॉल है ये इन आउट में है। इसका जो सस्पेंशन के लिए मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कोन जो है वो थोड़ा सा इस जगह पे हमें हार्ड देखने को मिलता है, लेकिन ऑल ओवर ये सस्पेंशन बहुत अच्छा इसमें देखने को मिलता है। सो चलिए हम इसको एक बार बैक साइड से देख लेते हैं। सो बैक साइड से आप देख सकते होंगे इसमें जो TOC यूज़ किया गया है, इसमें क्रोम प्लेटेड है, इसमें क्रोम चढ़ाया गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इसका जो मैग्नेट है यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये 4 पीसेस में है, इस तरह से 4 पीस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे है इसका टर्मिनल कनेक्टर। सबसे ख़ास बात ये है इसमें इसकी जो लीड वायर है ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें लीड वायर नहीं है, नहीं मैं मजाक कर रहा था, इसमें जो लीड वायर है ये अंदर की तरफ से इसमें स्पाइडर से जाता है। तो चलिए इसका हम एक क्लोज लुक भी देख लेते हैं। सो इस स्पीकर की जो RMS पावर है ये है 1800 वॉट और इसका जो मैक्स पावर है वो है 3600 वॉट। इम्पीडेंस इसका 8 ओम्स है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपको लगभग 36 हर्ट्ज से लेके 1.5 किलोहर्ट्ज़ तक की मिल जाएगी। और इसकी जो सेंसिटिविटी है यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है 98 dB। और इसकी जो मैग्नेट है ये 200 OZ में है। वॉइस कॉइल का जो डायमीटर है ये है 5 इंच में। तो चलिए इसका लीड वायर को हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते होंगे इसकी जो लीड वायर है ये सीधा स्पाइडर का जो बोर है उसके नीचे से होके ये वॉइस कॉइल तक जाती है। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में कोई भी लीड वायर देखने को नहीं मिलेगी। ये काफी अच्छा काम किया हुआ है कंपनी ने, लेकिन जब आपका लीड वायर टूटेगी तो उस टाइम में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे एक रिंग भी देखने को मिलता है स्पाइडर को अपने जगह पे टिका के रखने के लिए। ऑल ओवर स्पीकर की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छा देखने को मिलता है। सो चलिए इस स्पीकर को हम कैबिनेट में डाल के एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग भी किया। और ऑल ओवर अगर मैं अपना रिकमेंडेशन बोलना चाहूँ इस स्पीकर के बारे में, ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है,
काफी अच्छा पंच देता है ये, लेकिन इसको चलाने के लिए एक ज्यादा वाटेज का एम्पलीफायर की आपको जरूरत पड़ेगी। ये स्पीकर ऑल ओवर बोलने को चले बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और इसमें बहुत ही अच्छा सस्पेंशन भी देखने को मिलता है, जो आमतौर से इतने वाटेज के स्पीकर में इतना अच्छा सस्पेंशन देखना मुश्किल होता है। और इसकी जो खास बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसमें जो लीड वायर के लिए एक सेपरेटली जगह रखा गया है लीड वायर को डालने के लिए, जो स्पाइडर के नीचे से आएगा, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिल रहा है। चाहे आप लो फ्रिक्वेंसी में 20 हर्ट्ज से लेके इसको 160 हर्ट्ज तक जो भी फ्रिक्वेंसीज में आप इसको रन करवाएं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स सुनने को मिल जाएगा। काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। स्पीकर का भी हम दूसरे ब्रांड के साथ कंपेरिजन का वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, देखते हैं किसमें क्या खूबियाँ हैं, किसमें क्या कमियाँ हैं, ये सारे चीज़ हम उस वीडियो में भी कवर कर लेंगे। अगर दोस्तों आप इस स्पीकर के प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ATI Pro की जो कस्टमर केयर है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट डीलर का पता पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर उड़ीसा में हैं तो आप जयदेव इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना है, अगर आपके नियर बाय में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेल्स का भी नंबर आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पीकर को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक, और अगर आपको लगता है ये स्पीकर आपके किसी दोस्त के काम में आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, सी यू सून।